thank you so much for watching my video. And today's topic is really hot topic. Agar aapko ye topic pasand nahi aata to please aap ye video na dekhen. Lekin jinko pasand aata hai aap please bataein ki aapko kaisa laga aur aap is sab se agree hain ki nahi hain. To aaj ka jo topic hai wo hai some sort of fashion show was held in Karachi or Lahore, I don't know where it was, but it was pretty grand. Our jo show tha, jo fashion show tha, wo tha about luxurious sportswear or activewear fashion show. So mujhe kafi ek ajeeb sa laga tha ki kis tarah ka fashion show hai, kaise mulk mein jis jo Muslim hai, बहुत इस्लामिक है, हम बहुत सी वैल्यूज कैरी करते हैं, हम इस्लाम का हर वक्त नाम लेते हैं, लेकिन हम किस तरफ जा रहे हैं. तो मुझे बड़ी शर्मिंदगी हुई. वो तस्वीरें अगर मेरा कोई अमेरिकन दोस्त देखता तो वो मेरी तरफ देखकर कहता कि रियली पाकिस्तानी वुमेन कैन वेयर दिस. तो मतलब यहाँ हम अपने आप को इतना अपनी वैल्यूज को दूसरों के साथ शेयर करते हैं और दूसरी तरफ हमारे ही मुल्क में एक अजीबोगरीब एक अजीबोगरीब सिलसिला है जो दूसरे कल्चर्स को अडॉप्ट करने में बहुत मतलब बुरी तरह से उसमें मुलव्वस है और मतलब अपने कल्चर को भूलकर दूसरे कल्चर को अडॉप्ट करना, ये हम कब ख़त्म करेंगे? आई डोंट नो व्हेन. तो उस लग्जरियस एक्टिव वेयर स्पोर्ट्स वेयर को आई वॉन्ट कॉल लग्जरियस, आई वुड कॉल वल्गरियस. यू नो आई नो यू नो द वर्ड वर्ड वल्गर, सो दैट कम्स फ्रॉम दैट वर्ड कि भाई आप इतना वल्गर जाएंगे, आप इतना ओपन होंगे दुनिया के सामने कि क्या आप साबित करना चाहते हैं? अगर आप ये साबित करना चाहते हैं कि पाकिस्तान कैन मूव इन इंटरनेशनल मार्केट, के अमेरिका और यूरोप में आप इस तरह की चीज़ें इंट्रोड्यूस करेंगे, लेकिन उनके पास ऑलरेडी इस तरह की चीज़ें हैं. आई मीन दे हैव अ लॉट ऑफ एक्टिव वेयर लाइंस, सो वी रियली डोंट हैव टू यू नो शो देम दैट मुस्लिम कंट्री कैन प्रोड्यूस सच क्रेजी आउटफिट्स फॉर वुमेन. एक्टिव वेयर और स्पोर्ट्स वेयर, इट कुड बी मॉडेस्ट टू, क्योंकि हमें पता है कि रिसेंट ओलंपिक्स में एक बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ हुई थी कि मुस्लिम्स औरतों ने फर्स्ट टाइम उसमें पार्टिसिपेट किया था और उन सब ने हिजाब स्टाइल, उन्होंने अपने हेड कवर्स किए थे और फिर और जो उनके जो जो भी वो स्पोर्ट्स खेल रही थी, जो भी एथलेटिक्स में वो यू नो शिरकत कर रही थी, दे वर वेयरिंग रियली मॉडेस्ट एक्टिव वेयर. तो उसके बाद नाइकी, विच इज़ अ मल्टी नेशनल कॉरपोरेशन अमेरिकन कंपनी दैट एवरी वन नोज इट, होल वर्ल्ड नोज नाइकी, तो उन्होंने इंट्रोड्यूस करवाया एक ज़बरदस्त सा स्विम सूट वेयर एंड देन द स्पोर्ट्स वेयर एंड देन दे इंट्रोड्यूस द मुस्लिम एथलेटिक्स वेयर स्पेसिफिकली फॉर द मुस्लिम वुमेन. तो हम एज अ वुमेन लिविंग इन अब्रॉड, हम ये हमेशा हमारी कोशिश होती है कि हम स्विमिंग पूल जाएँ, तो आई एम लुकिंग फॉर, विच इज़ रियली हार्ड टू फाइंड समवन समथिंग रियली मॉडेस्ट वेयर टू गो फॉर स्विमिंग और एनी यू नो स्विमिंग. अरबिक क्लासेज आर हेल्ड हेयर, तो आई एम यू नो मैं कभी नहीं जाती क्योंकि आई डोंट फील कम्फर्टेबल going unless I have a really nice modest clothing to go. Same thing to beaches, that we are always looking for swimwear that are comfortable for us to being in the water. तो मतलब things are different and तो मेरा मकसद यही है कहने का, अगर आप पूरी दुनिया में अपनी market को बढ़ाना चाहते हैं, you can bring something really represent Pakistan, not representing them in odd ways. If you know what I mean, to represent your own culture, your own values, that's more important than anything in this world. Because we Muslim women, it feels a little strange when we say, "Yeah, we wear everything. We can be half naked. It's allowed." No, it's not allowed. And you are representing which category? In Pakistan, which caste are you
रिप्रेजेंट कर रहे हैं, किस चीज़ को आप दिखा रहे हैं, कि कौन सी लड़कियाँ। अभी मैं जो पिछली वीडियो बनाई थी उसमें मैंने उन बच्चों के बारे में जिक्र किया था कि कितनी उनको प्रॉब्लम्स होती हैं बाहर आने जाने में, लोग अजीब सी उनके साथ रवैया होता है, कि आप एक्सपेक्ट करते हैं कि वो एक जो आम लड़की है पाकिस्तान की, कराची शहर की या किसी भी शहर की, किसी भी जगह की, अगर वो जिम जाती है, सिर्फ मैं सिटी गर्ल्स की बात कर रही हूँ, कि डू वी हैव इनफ पीपल, इनफ गर्ल्स हु आर फ्रॉम द इलीट क्लास? नो, वी डोंट। वी हैव मेजॉरिटी ऑफ आर गर्ल्स आर फ्रॉम मिडिल क्लास और अपर मिडिल क्लास और पावर्टी लाइन। तो हमें पता है कि 21% वी आर बिलो द पावर्टी लाइन एंड वी हैव अ 200 million पॉपुलेशन एंड वी आर द 33rd लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड। सो हमारे पास बहुत लोग हैं, तो हम क्यों ना ऐसी चीज़ें रिप्रेजेंट करें, दुनिया को इंट्रोड्यूस करवाएं जो हमारा नाम ऊंचा करे, जो हमें एक इस्लामी मुल्क के तौर पे हमें रिप्रेजेंट करे। तो ये चीज़ मुझे बहुत था कि मैं बात करूँ इस बारे में। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड होप यू लाइक दिस वीडियो। इफ यू डोंट अग्री विद मी, प्लीज़ लेट मी नो एंड डोंट वॉच दिस वीडियो एंड आई रियली रियली अप्रिशिएट इट। थैंक यू सो मच, बाय। Please don't forget to subscribe and like and share.